आपने जो कहा है वो तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कैश से काम नहीं चलेगा। तो फिर परसों रेलवे का टेंडर निकलेगा गोरखपुर देवरिया के बीच डबल ट्रैक डालने का, उस पुल में हमारा आदमी भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। क्या बात कर रहे हो गजराज, पुल में ऐसे ही कोई थोड़ी ना घुस सकता है, कोई बच्चों का खेल है क्या? नहीं नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ होगा, लेकिन अब होगा। अरे लेकिन ऐसा कैसे होगा, ये क्या बात हुई मिश्रा जी, आप समझाइए ना इसे। वो जैसा कहता है वैसा करवा दो। लेकिन मिश्रा जी आप गजराज, बाकी तो तुम समझ ही गए होगे, और वो डिटेल्स तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। क्या बात है राम जी? स्टोर रूम के बाहर ये ट्रंक पड़ा हुआ था, सोचा आपको दिखा दें। अच्छा, हम देख लेंगे, आप वहां रख दीजिए। जी बहुत अच्छा। मेजर रवि कुमार, इन चार्ज ऑफ अल्फा कंपनी ऑफ 34 जाट रेजिमेंट इन सेक्टर छमजोड़िया, इज बीइंग कोर्ट मार्शल्ड फॉर कावडिस अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 34A। उन पर ये आरोप है कि उन्होंने शत्रु का प्रतिरोध किए बिना कायरता दिखाते हुए अपनी पोस्ट को लज्जास्पद रूप से छोड़ दिया। चारों तरफ गोलियां चल रही थी प्रभा, हर तरफ लाशें थी, मरे खून का रंग काला होता है मैंने पहली बार देखा, तुम समझ रही हो ना प्रभा? पर ये बात तुम अजय को मत बताना, नहीं बताओगी ना? माँ, पापा दरवाजा नहीं खोल रहे, पापा को बोलो ना दरवाजा खोले। पापा पापा इसको जाकर बहा दीजिए नाली में, अरे इतना फीका चाय पिएंगे हम। ठाकुर साहब, हमें लगता है ये मिश्रा की पार्टी का है और ये नहीं चाहता है कि आपका मुंह मीठा हो। अरे अब खड़े का हो, जाओ जाके बता दो अपनी उस पार्टी से कि इस बार के इलेक्शन में हमारे ठाकुर साहब उस रामनाथ मिश्रा के जमानत जब्त करवाएंगे। ये ठाकुर साहब कौन से कमरे में है? जी इसी में है। क्या छाप रहे हैं ये लोग? ठाकुर के खून के लिए हमें दोषी माना जा रहा है। द सीएम शुड टेक द ब्लेम, अराजकता के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार। गुप्ता, हम इसका कोई जवाब देंगे भी कि नहीं? गवर्नमेंट क्या एक मजाक बन गई है? क्या लिखा है, पढ़ा है तुमने? जी सर, लेकिन ये चार अखबार तो अपोजिशन के माउथपीसेस हैं, इनकी पॉलिटिकली कोई अहमियत तो है ही नहीं। क्यों सर? सर साफ लग रहा है कि इन लोगों ने न्यूज को गलत पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किए बिना पैरोकियली इंटरप्रेट किया है ना सर? अब मैं कुछ बोलूं? जी सर। गुप्ता, बात यह नहीं है कि छपा क्या है, बात यह है कि कुछ हुआ है, और प्रश्न यह है कि हम क्या कर रहे हैं इस बेधड़क मनमानी को रोकने के लिए। सर,
इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ख्याल रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कि ये कोशिश ईमानदार हो। मैं आपको फोन पर सब कुछ बता तो चुका हूं, और क्या जानना चाहते हैं आप? जैसा कि आपने अपने स्टेटमेंट में लिखवाया है, जब आप निकले तो 3-4 लोगों ने आपको घेर लिया जिनके पास गन्स थी। जी। उन लोगों ने आपको अपनी कार में बिठाया और चल पड़े। अच्छा, जहाँ पर रखा था वहाँ का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप? शायद कोई गांव था, उसकी दीवारें मिट्टी की थी। और कुछ याद है उस जगह के बारे में? देखिए, रहने दीजिए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। अच्छा सत्यपाल जी, ये फिरौती की डिलीवरी कैसे हुई? मेरे अकाउंटेंट को उन्होंने दिल्ली बुलाया था। पालिका बाजार के पीछे जो पार्किंग है वहाँ गजराज भी मौजूद था और डिलीवरी उसी ने ली थी। तय कितने में हुई है जी? तय कितने में हुई? 37 लाख। सिर्फ 37 लाख? सर, 37 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। अगर आपने हमारी मदद की होती तो हम उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते। सर, मेरे परिवार वालों के लिए मेरी जान ज्यादा कीमती थी, वो मुझे जिंदा देखना चाहते थे, चादर में लिपटा हुआ नहीं। सर, पुलिस कंट्रोल रूम को 11:03:09 पर होटल से शूटआउट की खबर मिल चुकी थी। सर, भीड़भाड़ वाले इस इलाके में 190 मीटर चलने के लिए गजराज और उसके आदमियों को कम से कम 5 मिनट तो लगे ही होंगे। पर सर, देखने वाली बात यह है कि सैयद, मैं समझ गया। 11:03 पर ये लोग होटल से रवाना हुए और 11:08 पर अपनी कार में पहुंच गए। क्या, व्हाट इज द पॉइंट? दैट इज द पॉइंट सर, 11:05 पर ठाकुर के छोटे भाई को गोरखपुर में गजराज सिंह का फोन आया था। उसने उसको बड़े ठाकुर के मरने की खबर दी और रेलवे की ठेकेदारी में ना उलझने की धमकी। इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ये कॉल सेलफोन से किया गया था। ये कैसे हो सकता है? सेल्युलर सर्विसेज लखनऊ में अभी अभी शुरू हुई हैं, 10 दिन भी नहीं हुए, उसके पास ये फोन कहां से आ सकता है? अनफॉर्चुनेटली सर, उसके पास आ चुका है और वो उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। अब सेल्युलर कन्वर्सेशंस की ट्रैकिंग कैसे होगी? डीओटी फोन्स को तो फिर भी सर्विलेंस पर लिया जा सकता है, लेकिन सेल फोन से कैसे डील करेंगे? एडीजी साहब ये सवाल औरों से नहीं, दरअसल खुद से पूछ रहे थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी पुलिस अंडरवर्ल्ड के इस नए हथियार के लिए तैयार नहीं थी। हैरत की बात यह रही कि 90 के मध्य दशक तक देश की कोई भी पुलिस सेल्युलर फोन्स को सफलता से सर्वेलेंस पे नहीं ले पाई थी। नई टेक्नोलॉजी को समझने के इस इम्तिहान में लखनऊ पुलिस बिल्कुल अकेली थी। सेल एक तरह का मैग्नेटिक एरिया होता है जिसे टावर के एंटीनाज और ट्रांसमीटर्स डिफाइन करते हैं। अब अगर ये टावर शहर में है तो फिर उसमें ट्राई डायरेक्शनल एंटीनाज होंगे, और अगर ये हाईवे पर है तो फिर बाई डायरेक्शन। एज एक्सप्लेन्ड, बेस स्टेशन इज नथिंग बट ए ट्रांसमीटर। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया प्राइमरीली डिपेंड करता है बेस स्टेशन यानी कि ट्रांसमीटर की पावर पर। अब ये पावर ए भाई सोलंकी जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। That finally terminates into main switching controller. No talking. Concentrate, please. Going back, GSM fundamentally works on a cell structure, जहाँ पर ये cells magnetic field forces हैं, hexagonal shape. आप लोग इत्मीनान से चाय पी लीजिए, फिर बातें करते हैं। नहीं सर, अब किसी चीज की इच्छा नहीं रही। चाय पीजिए, प्लीज। हाँ सैयद, तुम कुछ कहना चाहते थे। एक प्रॉब्लम है सर, हमारी बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जबकि इन टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का पूरा ध्यान टेक्निकल डिटेल्स देने में, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली सर, हमें इस वक्त ऐसा आदमी चाहिए जो सेलुलर टेक्नोलॉजी को हमारी जुबान में हमें समझा सके। समझा तो मैं आपको सकता हूँ, लेकिन समझने के लिए आपका रोज़ क्लास में होना ज़रूरी है। सॉरी सर। बहरहाल, फिर से समझते हैं। ये देखिए,
ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। इसमें ये हेक्सागनल शेप के छोटे छोटे बहुत से कमरे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के नेटवर्क का डिज़ाइन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप अपनी आवाज़ से पहुंच सकते हैं। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशंस। कल क्लास में ज़रूर आइएगा, कल हम लोग WLL पर डिस्कशन करेंगे। तिवारी, अगली क्लास के लिए देर हो रही है, क्या हम लोग बाद में बात नहीं कर सकते? शायद नहीं। अगले दिन ही मुझे कॉलेज से रिसर्च लीव मिल गई और फिर मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स के एक बड़े से कमरे में बैठने लगा। टेबल के साथ एक टेप रिकॉर्डर, दो टेलीफोन्स और तीन मोबाइल फोन्स भी दे दिए गए। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से जितनी भी किताबें और जर्नल्स मुझको सेलुलर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मिली, उनको मैं अपने साथ ले आया था। दिन भर टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग्स हुआ करती थीं और रात में पढ़ाई। जिस नंबर को हमने टैप करना है उसका रेप्लिकेटेड सिम, मतलब मैचिंग, मतलब उसी जैसा सिम कार्ड हम इस सेलफोन के अंदर डालेंगे। इससे हम सिर्फ सुन पाएंगे, सब्सक्राइबर की बिलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। गजराज और उसके आदमियों के मोबाइल फोन्स को हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन पे ले लिया। ये लोग जिन नंबरों को फ़ोन करते थे और जिन नंबरों से इनको फ़ोन आते थे, उन सभी को हम लोगों ने मॉनिटर करना शुरू किया। वक्त लगा, काफ़ी गलतियां भी हुईं, पर धीरे धीरे पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के इस नए खिलौने को समझने लगी थी।